हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, और इसी भी यदि फर्स्ट में देखें तो हमने ये देखा था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, इन प्लांटों के अंदर जो मेल स्ट्रक्चर जो रहती है, या फिर कहें कि जो प्लांट में मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, या फिर कहें कि हम माइक्रोस्पोरिंजियम है उसकी स्ट्रक्चर, एंथर की स्ट्रक्चर, उनके डेवलपमेंट को देखा, और लास्ट में हमने इसके अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किया था कि मेल गैमेट्स बन जाते हैं। अब इसी प्रकार से हमें बनाने होते हैं फीमेल गैमेट, कि फीमेल गैमेट कैसे बनेंगे, फिर उनका फ्यूजन होता है। तो हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था मेल गैमेट का, अब जो सेकंड पार्ट है वो आएगा फीमेल गैमेट का, कि फीमेल गैमेट है उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, कहां पर होगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो हुआ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी यहाँ जो स्टडी की जा रही है वो एंजियोस्पर्म प्लांट की जा रही है। तो ये जो पार्ट है, कि इस पार्ट को देखने से पहले हम ये कहें कि जो फ्लावर जो स्ट्रक्चर थी, तो ये जो फ्लावर स्ट्रक्चर थी इसके अंदर हमने कुछ पार्ट बताए थे, या फिर कहें कि उसके होरल्स बताए थे। तो उन जो होरल्स या इनके पार्ट की बात करें तो हमने इस तरीके से दिखाई। ये पार्ट हम दिखा रहे थे, इसके आउटर साइड में कोरोला, इसके आउटर साइड में कैलिक्स। तो हमें जो है ये पार्ट है इसकी स्टडी हमने की थी कि ये जो एंथर होता है इसका डेवलपमेंट कैसे हो जाता है। इसके बाद अब जो हम देख रहे हैं मेल गैमेटोफाइट, तो सबसे फर्स्ट यदि देखें तो हम ये कहेंगे कि प्लांट के अंदर जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्या होता है। तो प्लांट के अंदर यदि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की यदि हम बात करेंगे तो ये पार्ट होता है इस तरह, और ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं गाइनोसियम। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन इन प्लांट, यदि इसकी बात करें तो हम क्या कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम ये पार्ट, और ये यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी ये स्ट्रक्चर होती है गाइनोसियम। ये गाइनोसियम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पार्ट होता है। तो मैं जो है अब इनके जो आउटर पार्ट है इनको हटा रहा हूं, ये सभी पार्ट केवल हमें स्टडी करनी है अब गाइनोसियम। ये पार्ट हुआ हमने एक ये भी बोला था कि जो गाइनोसियम होता है उसकी इंडिविजुअल यूनिट, या फिर ये कहें कि गाइनोसियम होता है वो किससे बना हुआ रहता है। तो अब यदि इसको देखें तो इसके अंदर देखें इसकी इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट
जो गाइनोशियम है इसकी इंडिविजुअल यूनिट जो रहती है, इस यूनिट को कहा जाता है कार्पल्स। ये हुआ कार्पल। अब यदि इनकी कुछ एक जैसे अदर जो नेम है उनको भी देखें, जैसे गाइनोशियम रहता है, इस गाइनोशियम को कहा जाता है पिस्टल। इसके बाद यदि हम बात करें कि कार्पल्स, कार्पल्स की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर यदि देखते हैं तो वहां पर हम यूज में ले रहे थे माइक्रो स्पोरेंजियम। तो यहां पर यदि जो रहता है मेगा स्पोरेंजियम रहता है। इसी के साथ में हम यदि बात करेंगे तो यहां पर यानी जो फीमेल जो वर्डिंग आएगा, जो जहां पर भी आ रहा है उसकी जगह मेगा यूज में लेंगे, और जहां पर मेल आता है उसकी जगह हम माइक्रो शब्द यूज में लेते हैं। तो यहां पर ये कहें कि कार्पस, या फिर कहें इसको माइक्रो स्पोरोफाइट। ये बात माइक्रो स्पोरोफाइट या फिर कहें कार्पस। इसके बाद यदि हम इसको देखें तो हम ये कहते हैं कि ये जो पार्ट रहते हैं यानी जो कार्पल्स जो रहते हैं या जो फ्लावर में जो भी जो पार्ट बन रहे हैं वो मॉडिफाइड लीफ होते हैं। तो ये जो मॉडिफाइड जो लीफ होते हैं इसीलिए इनका जो नाम रहता है वो कहें मेगा स्पोरोफाइट। तो यहां पर इसी का एक दूसरा नाम और रहता है मेगा स्पोरोफाइट। ये तो कार्पल्स है या फिर कहें मेगा स्पोरोफाइट। तो यहां पर ये जो पार्ट रहते हैं ये दो, तो इन पार्टों की इसकी एक यूनिट होती है, या फिर कहें गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है वो कार्पल्स हुई या मेगा स्पोरोफाइट होती है, या फिर कहें कि ये एक मॉडिफाइड लीफ होती है। इस लीफ के अंदर यदि बात करें तो ओवल प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये पार्ट हुए। अब यदि इसकी बात करें कि इस यूनिट की, कि यहाँ पर जो कार्पल्स हैं वो यूनिट हम यहाँ पर दिखाते नहीं, यानी कम्प्लीटली जो गाइनोशियम रहता है उस गाइनोशियम को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये यूनिट एक कार्पल्स की होती है, हम एक दिखा पाते हैं। इस तरीके से यदि मान लेते हैं कि एक गाइनोशियम में टू है, थ्री है, फोर है, यानी वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी कार्पल्स हो सकते हैं। यदि इन कार्पल्स की हम बात करेंगे तो देखिए इस प्रकार से कार्पल मिलेंगे। जैसे एक कार्पल ये हुआ, इसके बाद जो दूसरा जो है उसको यदि हम दिखाएं तो इस तरीके से, इस तरीके से। इसके बाद यदि हम ये कहें कि जो मान लेते हैं कि टू के स्थान पर थ्री कार्पल हैं एक गाइनोशियम में, तो हम इसको इस तरीके से दिखा, इस तरीके। और यदि थ्री के हम ये कहें थ्री ने होकर फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से हो, तो यदि इस तरीके से होंगे तो ये डायग्राम कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी फ्लोर का डायग्राम बनाते हैं तो उस समय जो हम गाइनोशियम के अंदर केवल एक कार्पल की यूनिट को ही दिखाते हैं, शो करते हैं, जबकि एक्चुअली में ये एक न होकर के हम ये कहें कार्पल्स जो रहते हैं, जितने भी एक गाइनोशियम में कार्पल होते हैं उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कि हमें इसके स्थान पर यानी इस स्ट्रक्चर को तो हम क्या कहेंगे, गाइनोशियम। गाइनोशियम ये स्ट्रक्चर, और इसमें से यदि एक इंडिविजुअल यूनिट को ले, जैसे इस तरीके से हमने लिया, इस तरीके से, और ये जो यूनिट होती है इस यूनिट को हम कहते हैं कार्पल।
कार्पल्स जो रहते हैं ये यूनिट। तो ये जो कार्पल जो है यदि इसकी बात करें ये सिंगल यूनिट हो गई। अब यदि हम देखें इस सिंगल यूनिट के अंदर इसके पार्ट, तो कार्पल के थ्री पार्ट रहते हैं, कार्पल डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। यदि इनमें से यदि देखें तो जो फर्स्ट पार्ट है ओवरी, सेकंड पार्ट है स्टाइल, थर्ड पार्ट है स्टिग्मा। ये यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी एक सिंगल कार्पल डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, इन तीन पार्टों में डिवाइड। इनमें से ओवरी सबसे नीचे या फिर गए थैलस के पास का पार्ट। ओवरी का होता है कि इस जगह पर हम ये कहते हैं कि थैलस होता है, तो इस थैलस के नजदीक पार्ट हुआ। और इसके अंदर हम ये कहें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, यानी ये जो संरचना होती है यदि इसकी बात करें ओव्यूल, तो ये ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसी जगह पर यानी इस ओव्यूल में ही मेल फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस ओवरी के अपर साइड के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्टाइल बोला जाता है, और ये स्टाइल जो होती है ये पोलन ट्यूब को पाथवे प्रदर्शित करती है। यानी ये जो पोलन ट्यूब जो इधर से आएगी उस पोलन ट्यूब को एक प्रकार से पाथवे करती है, यानी एक निर्देश देती है कि इसको किधर से ग्रोथ करनी है। इसके बाद इसका जो स्टाइल है, इसका जो टॉप पार्ट रहता है, यदि टॉप पार्ट की बात करें तो ये फ्लास्क के जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर को स्टिग्मा कहते हैं। पोलन ग्रेन जो रहते हैं उनको असेप्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे ही पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं। तो ये इसके तीन पार्ट थे, तीनों पार्टों के अंदर कौन कौन से पार्ट है, वो क्या फंक्शन करते हैं। अब इसके बाद ये आ जाता है कि हमने ये कहा कि यहां पर जो ये कार्पल है, ये कार्पल जो है आपस में ज्वाइंटेड भी हो सकते हैं, या फिर ये कहीं ये कार्पल सेपरेट भी हो सकते हैं, दोनों स्थितियां। यदि ये कार्पल सेपरेट होते हैं तब उसे कहते हैं एपोकार्पल। यहां पर जो एपोकार्पस है, एपोकार्पस का मतलब कि कार्पल्स आर सेपरेट, कि कार्पल्स जो रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं, ज्वाइंटेड नहीं रहते हैं। इसके बाद सिनकार्पस का मतलब जो कार्पल्स जो रहते हैं वो कार्पल्स आर फ्यूज्ड या ज्वाइंटेड, कि कार्पल्स जो रहते हैं वो आपस में ज्वाइंट रहते हैं, सेपरेट नहीं रहते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं कि जो एपोकार्पस क्या रहते हैं, सिनकार्पस क्या रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगला जो पार्ट आता है इसके अंदर, जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट जो पार्ट था उसकी स्टडी कर रहे थे, तो उसके अंदर हम ले रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी उस समय हम किसकी स्टडी कर रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम की। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम, और ये जो ओव्यूल रहता है इसी को कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। तो अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा कि ये जो ओव्यूल रहता है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है। इसके बाद ये जो ओव्यूल रहता है यदि हम देखें इस तरीके से, यदि ये जो है इनको काट रहे, यानी इसकी टीएस काटे, यदि इसकी टीएस काटते हैं तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं इस पार्ट, और मान लेते हैं कि इसमें थ्री कार्पल्स हैं, तो थ्री कार्पल्स हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके की, ये स्ट्रक्चर बनती है। यानी एक कार्पल्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्पल्स। अब बात ही आती है कि इधर से ये पार्ट ओविल का, तो ओविल के पार्ट की बात करें तो जैसे ओविल इन पार्टों पर जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके, तो ओविल जो रहते हैं वे ओवरी से अटैच रहते हैं। यानी ये जो पार्ट है ये हुआ ओवरी,
ओवरी। तो ये जो ओवरी के पार्ट से ओविल जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं प्लेसेंटा। देखिए कि इसको मैं दिखाऊं इस तरीके से कि मान लेते हैं कि ये पार्ट है, एक थोड़ा इसको दूर करके दिखा रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखे ये कि ये तो हुआ ओव्यूल इस तरीके से, और ये ओव्यूल इस जगह पर होता है अटैच, कि इस जगह पर अटैच हुआ। तो ओवरी का ये जो पार्ट है, जहां ओवरी के इस पार्ट की बात करें जहां ओव्यूल अटैच हुआ है, यानी इसकी बात करें ये था ओव्यूल और ये पार्ट है ओवरी का, तो ओवरी का ये पार्ट कहलाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा पार्ट कौन सा हो? ओव्यूल ओवरी के जिस स्थान पर अटैच होता है तो ओवरी का वही पार्ट प्लेसेंटा कहलाता है। ये पार्ट है। अब हम एक ओव्यूल है इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए अब जो अपना पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की यदि बात करेंगे तो यहां पर देखिए जो डायग्राम है इसका, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल से यदि इसकी बात करें तो इस पार्ट को यदि हम देखते हैं तो इस तरीके से जो ये पार्ट है स्ट्रक्चर है वो बनेगी। देखिए इसके अंदर हमने ये कहा था कि ओवरी से यानी ओवरी का वह पार्ट जिससे ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा कहते हैं, तो ये पार्ट हुआ प्लेसेंटा। ये ओव्यूल जो रहता है एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से ओवरी के प्लेसेंटा से अटैच होता है, तो ये जो ओवरी का जो प्लेसेंटा है इस प्लेसेंटा से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये पार्ट हुआ इस स्ट्रक्चर से जुड़ता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्यूनिकल। तो ये जो फ्यूनिकल रहता है इससे ये प्लेसेंटा और ये कहें कि ओव्यूल आपस में जुड़े हुए अटैच रहते हैं, इधर से प्लेसेंटा इधर से ओव्यूल दोनों के यदि अटैच की बात करें तो अटैच फ्यूनिकल से अटैच रहते हैं। इसके बाद ये पार्ट है, इस पार्ट की यदि हम बात करें कि जैसे ये हुआ ये पार्ट,
कि जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल और फ्यूनिकल इन दोनों को अटैच, जहां पर भी ये दोनों अटैच होते हैं, इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट को कहा जाता है हाइलम, कि ये एक ऐसा पार्ट है, इस पार्ट पर फ्यूनिकल और ओव्यूल ये दोनों पार्ट अटैच हो जाते हैं, कहलाया हाइलम। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां के कंडीशंस के अंदर जो हाइलम रहता है वह ओव्यूल के अंदर, जो ओव्यूल का न्यू सेलस रहता है, इसके अंदर चला जाता है, यानी इसके इनर साइड के अंदर चला जाता है न्यू सेलस में, यानी ये जो पार्ट हुआ ये पार्ट कहलाता है न्यू सेलस। तो न्यू सेलस है, इसके अंदर यदि जो हाइलम का पार्ट जो रहता है वो अंदर क्यों चला जाए, तो इसे कहा जाता है राफे, ये पार्ट। इसके बाद आता है कि ये जो ओव्यूल रहता है, इस ओव्यूल के आउटर साइड में दो इंट्यूबमेंट पाए जाते हैं। इसके अंदर यदि हम देखेंगे तो ये जो आउटर साइड में, तो यहां पर रहते हैं इंट्यूबमेंट, जो पार्ट हुआ इंटेगुमेंट। तो ये जो इंटेगुमेंट रहता है, ये इस ओव्यूल जो न्यू सेलस जो रहता है, ये न्यू सेलस हुआ, इस न्यू सेलुलस के आउटर साइड में रहता है। तो यहां पर जो नॉर्मली यदि हम बात करते हैं तो इंटेगुमेंट जो होते हैं टू रहते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट और सेकंड रहता है इनर इंटेगुमेंट। तो जो आउटर है यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे कि ये पार्ट हुआ आउटर इंटेगुमेंट। इसके बाद ये जो पार्ट हुआ ये हुआ इनर इंटेगुमेंट, ये पार्ट हुआ। इसके बाद यदि हम देखें इसको कि ये जो इंटेगुमेंट है, इसके अकॉर्डिंग यदि देखते हैं तो ओव्यूल कई टाइप के होते हैं। यदि किसी ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट अब्सेंट रहता है तो हम ये कहेंगे कि यहां पर ए इंटेगुमेंट ओव्यूल। इसके बाद यदि ओनली वन जो इंटेगुमेंट रहता है तो उसे कहा जाता है यूनि इंटेगुमेंट ओव्यूल। यदि यानी ये कहें कि एक तो हुआ ए इंटेगुमेंट ओव्यूल, इसके अंदर हम ये कहेंगे कि इंटेगुमेंट जो रहते हैं वो अब्सेंट रहते हैं, सेकंड जो रहता है यूनि इंटेगुमेंट ओव्यूल, इसके अंदर एक रहता है, दूसरा जो रहता है बाई, और यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर इंटेगुमेंट दो है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि जो इंटेगुमेंट जो रहते हैं तो इनके आधार पर जो ओविल रहते हैं, इनके बेसिस पर ओविल जो रहते हैं उनको डिवाइड भी कर रखा है इस तरीके से। अब इसके बाद हम बात करें इंटेगुमेंट जो रहते हैं, इसके अंदर के पार्ट की ओर बात करेंगे, तो इसके अंदर की साइड में यानी इनर साइड के अंदर न्यू सेलस प्रेजेंट रहता है, ये पार्ट हुआ। तो ये जो न्यू सेलस जो हमने यहां पर दिखा रखा है इस तरीके से, ये पार्ट, ये। लेकिन इस स्थिति को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये पार्ट ऐसा है जहां पर इंटेगुमेंट नहीं है, यानी ये जो ओव्यूल है इसका न्यू सेलस है, इस पूरे पर इंटेगुमेंट कवर कर रखा है, लेकिन ये पार्ट था, इस पार्ट पर यदि हम देखते हैं तो इस पार्ट पर इंटेगुमेंट नहीं है, और इस पार्ट को कहा जाता है माइक्रोपाइल। तो ये पार्ट हुआ, यानी एक पोल जैसी स्ट्रक्चर रहती है और इसको नाम दिया माइक्रोपाइल। ये एक ऐसा एरिया रहता है जहां पर इंटेगुमेंट अब्सेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि इसके अंदर जो हमने बताया कि ये जो पार्ट है इसके अंदर की साइड में देखें तो इसको न्यू सेलस कहा था, और न्यू सेलस जो रहता है
यदि इस न्यू सेलेस के अंदर देखते हैं तो ये जो पार्ट रहता है यानी माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड में जो पार्ट रहता है ये यहां पर यदि हम देखें ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है चले जा। चले जा पार्ट। अब यदि इसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला जो पार्ट आता है इसके अंदर अब इसके अंदर की साइड में ये पार्ट है जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और इस पार्ट को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक सैक। एम्ब्रियोनिक सैक ये पार्ट। इस पार्ट के अंदर यदि हम देखते हैं तो सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेल्स जो रहती है हैप्लोइड रहती है एन। सेल्स यदि देखें इसके बाद यहां पर एन और एन इस तरीके। यदि इन सेल्स की बात करें तो थ्री सेल्स माइक्रोफाइल की साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं इनमें से ये जो सेल है जो हम ये कहें कि जो बीच में पाई जा रही है यानी दो जो साइड की जो सेल है इनके बीच में एक सेल है और इस सेल को नाम देते हैं एग सेल। इसी को कहा जाता है फीमेल गैमेट। गैमेट इसके बाद ये जो साइड के अंदर टू सेल्स होती हैं और ये जो टू सेल्स होती हैं इनको सिनर्जिड सेल। तो ये जो सिनर्जिड सेल होती हैं फिर इनकी बात करें तो ये रहती हैं टू और यदि एग सेल की बात करें तो ये होती है सिंगल। और यदि हम बात करें कि इनको जो एक साथ ग्रुप में क्या कहते हैं तो एग एपरेटस। एग एपरेटस तो एग एपरेटस होता है ये पार्ट, ये जो है इसको हमने नाम दिया है एग एपरेटस। इसके बाद जो सिनर्जिड जो सेल रहती हैं इन सेल्स के अंदर एक अलग स्ट्रक्चर और पाई जाती है इस तरीके से और इसको कहा जाता है फिलीफोरम एपरेटस। फिलीफोरम अपरेटस तो ये पार्ट होता है कि फिलीफोरम अपरेटस यहां पर प्रेजेंट होता है सिनर्जिड सेल्स के अंदर। ये सभी सेल हमने ये कहा कि हैप्लोइड होती हैं, एन स्टेज की होती है। इसके बाद जो है ये जो जो एग अपरेटस है इसके ठीक अपोजिट साइड में थ्री सेल्स हैं इनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल। एंटी पोडल सेल और ये भी एन होती हैं और यदि इनकी काउंटिंग करें तो ये थ्री होती है। इसके बाद एक सेल ये होती है और ये जो सेल रहती है इसको कहा जाता है पोलर सेल। पोलर सेल और यदि इस सेल की बात करें तो ये सेल होती है सिंगल यानी एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस जो रहते हैं एन प्लस एन यानी दो न्यूक्लियस हैं और वो भी हैप्लोइड न्यूक्लियस हैं। अब यदि हम इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें कि ये जो एम्ब्रियोनिक सैक है यानी ये पूरा जो पार्ट होता है इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक सैक। इस एम्ब्रियोनिक सैक की बात करें तो एम्ब्रियोनिक सैक के अंदर यदि सेल्स की बात करें तो यदि देखें तो ये इधर की साइड में देखते हैं थ्री है, इधर की साइड देखें थ्री है और एक ही है। यानी सेल की बात करें तो सेल्स होती हैं सेवन। यदि हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकिन इस सेल में टू न्यूक्लियस है एक ये और एक ये इसीलिए यदि हम बात करें न्यूक्लियस न्यूक्लियस की यदि बात करें तो न्यूक्लियस होते हैं एट। तो ये स्थिति होती है एम्ब्रियोनिक
सैक के अंदर, एम्ब्रियोनिक सैक के अंदर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो एक स्ट्रक्चर जो है ओविल की जो है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करें कि जो ओविल जो रहते हैं उनके टाइप्स की, तो ओविल्स जो रहते हैं वो 6 टाइप्स के हैं। अब इनके अंदर हम देखते हैं कौन से ओविल्स हैं, क्या इनकी स्थितियां हैं। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओविल, ओविल जो है 6 टाइप के हैं, 6 टाइप के। इनमें से जो फर्स्ट टाइप जो रहता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। देखिए इनके जो टाइप्स होते हैं वो हम बात करें, ये जो पार्ट होता है ये पार्ट रहता है चले जा, चले जा। तो ये जो चले जा पार्ट है, और इधर से ये जो पार्ट रहता है ये रहता है माइक्रोपाई, इसके बाद ये पार्ट है एम्ब्रियोनिक सैक, एम्ब्रियोनिक सैक। तो ये जो पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे ये माइक्रोपाई, एम्ब्रियोनिक सैक, चले जा, और ये जो पार्ट रहता है ये हुआ फिनिकल। इनके आपस में क्या पोजीशन होती है इस बेस पर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो इनके अंदर मेन रूप से यदि हम बात करेंगे तो जैसे ये चले जा और माइक्रोपाइल, इन दो पार्टों के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर देखें कि यदि फ्यूनिकल, चले जा, फिर इसके बाद एम्ब्रियोनिक सैक और माइक्रोपाइल, यदि इन सभी पार्टों को हम देखते हैं तो सभी एक लाइन में होते हैं इस तरीके। तो इस तरीके के जो रहते हैं उनको हम कहते हैं जो ऑर्थोट्रोपस। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जिम्नोस्पर्म हुआ, इसके बाद पॉलीगोनेसी हुआ और पेपाइरेसी हुआ। इसके बाद हम अगला करते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो एनाट्रोपस की थी, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मेन रूप से इसी को हम पढ़ते हैं। तो यहां पर यदि इस एनाट्रोपस की बात करें, इसमें यदि हम देखें तो ये हुआ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल नॉर्मली यदि देखते हैं इस जगह से होता है, यानी चलेजा जो पार्ट है यहां पर रहता है मेन रूप से, जैसे ये है सबसे बेसिक, ये 180 डिग्री राउंड हो जाता है, घूम जाता है। तो यहां पर यदि ये जो फ्यूनिकल 180 डिग्री पर राउंड हो जाता है 180, तो इसे हम कहते हैं एनाट्रोपस। और मैक्सिमम यदि बात करें एंजियोस्पर्म के अंदर 82% फैमिली के अंदर यही पाया जाता है। इसके बाद अगला आता है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस की बात करें तो हमने ये कहा था कि ये तो है 180 और ये रहता है 90 डिग्री तक, केवल इसी जगह तक ही आ पाता है, नहीं कि यहां तक आता है, यानी यहां से इसका इनिशिएशन होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया यहां से। इसके बाद यदि हम देखें इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे रेनकुलेसी हुआ और प्रीमुलेसी हुआ। इसके बाद जो रहता है सेरिसिनोट्रोपस, तो इसके अंदर यदि देखते हैं तो इसके अंदर 360 डिग्री पर राउंड हो जाता है, कि यहां से इसका इनिशिएशन होता है, यानी हम बात करें फ्यूनिकल इस जगह पर इनिशिएशन होता है इसका। इसके बाद ये जो राउंड लगाता है इस तरीके 180, इसके बाद ये इधर आ जाता है, तो ये राउंड लगा देता है 360 डिग्री के एंगल पर। और यदि इसके हम बात करें तो कैक्टेसिस का एग्जांपल हुआ। इसके बाद यदि हम बात करें कंपाइलोट्रोपस, तो यदि इसकी बात करें कंपाइलोट्रोपस, तो इसके अंदर जो ये जो पार्ट है एम्ब्रियोनिक सैक, ये एम्ब्रियोनिक सैक घूम जाता है, थोड़ा ये एम्ब्रियोनिक सैक जो रहता है यदि इसकी बात करें तो ये होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये इस तरीके से घूम जाता है। और ये जो माइक्रोपाइल और जो फ्यूनिकल जो रहते हैं ये एक नजदीकी पार्ट की ओर आ जाते हैं। इसके बाद इसके एग्जांपल की बात करें लेग्यूमिनेसी हुआ। इसके बाद एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस की यदि बात करें तो
इसके अंदर हम ये कहें कि ये जो एम्ब्रियोनिक सैक है, ये एम्ब्रियोनिक सैक जो रहता है, ये एम्ब्रियोनिक सैक जो है ये इस तरीके से, यानी इसमें एक टाइप से ये कहें कि स्ट्रेस आ जाता है, और इस स्ट्रेस के कारण ये जो एम्ब्रियोनिक सैक है ये हॉर्स सो की तरह चेंज हो जाता है। तो ये जो पार्ट होता है, कि इसके एग्जांपल की बात करें, बेटा मेसी जो रहते हैं ये इसके एग्जांपल हैं। तो अपना एक जो टॉपिक था जिसके अंदर हम ये कहें ओविल की स्ट्रक्चर एंड ओविल के टाइप्स, ये कंप्लीट हो चुका है।